नमस्कार और आदाब। आज सनीचर है, नवंबर के 30 तारीख। पेश है आपके लिए 7 दिन के खबरें। हम शुरुआत करते हैं फिर केश दो दिन से, क्योंकि पिछले हफ्ता सनीचर को फिर से एक शख्स का देहांत यातायात फिरकेर में हुआ है। नंद कुमार नयपाल 50 साल का ऑटो बस ड्राइवर जो परसों ऑटो हाँक रहा था, इसका एक हादसा हुआ है ओस्ट वेस्ट फरबेंडिंग और लियान क्रेक और तमन रेजो के बीच में। और ये जो आदमी है 64वीं फिरंसेस तक सफर के अजदोद जो है, इनका गाड़ी जो है एक ट्रक से जाकर टकराया है। ये खोजबीन से पुलिस का पता चला है कि नंद कुमार नायपाल जो है, ये रेख दौर खान फिरकेर जो है, इसको फोरंग नहीं दिए है, एक रेख्स बोख्त वो बनाए है, दाएं ओर वो मोड़ लिए है और ये ट्रक शोफेर जाकर इनसे टकराया है और एक ही दम इनका देहांत वहीं पर हो गया था। ये ट्रक शोफेर जो इसका बयान लेने के बाद पुलिस इसको भेज दिए है, घर भेज दिए है। और अफसोस के बात यह है कि नंद कुमार नयपाल 50 साल का ये आदमी जो है, इसका देहांत हो गया फिरंसेस तक फिर के अजदोद इस साल 2019 के वास्ते। पिछले हफ्ता बीते हुए हफ्ता में सोमवार के दिन नवंबर के 25 तारीख स्वतंत्रता दिवस आज़ादी का दिन सूरीनाम देश में मनाया गया है और इस साल ये तय हुआ था सरकार के जरिए कि मुंगो में ये जश्न मनाया जाएगा। सूरीनाम देश 44 साल फिर एंड फेयर तैयार और अफंकलक हुए हैं। देफिले और पराद सब तमाम जश्न, तमाम जो कार्य थे सभी मुंगो में हुआ है। प्रेसिडेंट देसी बौद्ध रखेरिंग के कुछ और लोगों के साथ वहां पर मौजूद था और ये भी पेशर बताया गया था कि देफिले और पराद के बाद प्रेसिडेंट देसी बौद्ध शीना के ओर रवाना करेंगे, शीना के ओर जाने वाले हैं। अपने भाषण के दौरान नवंबर के 25 तारीख प्रेसिडेंट देसी बौद्ध बताए है कि इस साल 31 तारीख दिसंबर को जो है ये अफोबा का दम जो है ये सूरीनाम देश के हाथों में आ जाएगा। 100 साल के बाद ये सूरीनाम देश के हाथ में आ जाएगा। और इसमें प्रेसिडेंट ये भी बताए है कि सूरीनाम देश को ब्रूटो 72 मिलियन लगभग फ़ायदा होगा, 72 मिलियन $ का फ़ायदा इससे होगा। ये ऐतिहासिक पल होगा 31 दिसंबर को, जब ये दम जो है ये सूरीनाम देश के हाथों में आ जाएगा। वैसे बौद्ध से ये भी कहा है कि आने वाले साल चुनाव होने वाले हैं, सभी लोग स्तंभस जाएंगे अपना वोट करने के लिए। और इसी सिलसिले में उन्होंने कहा है कि एकताई बनाए रखना ये बहुत ज़रूरी है और लोगों को शांति के साथ काम लेना है, जीत जिसका भी होगा लेकिन आगे तो हमें जाना है। इसलिए उन्होंने कहते हैं कि ये फरकी सिंह अवसलाह पर गौर नहीं करना चाहिए लेकिन देश में शांति बनाए रखना चाहिए और एकताई का बहुत ज़रूरी है। प्रेसिडेंट एक पूरा दिल हादसी के साथ, इसमें प्रेसिडेंट के अलावा फर्स्ट लेडी भी था और मिनिस्टर रात के कुछ लोग थे, फिनांसियन का मिनिस्टर गिलमोर हुफ्तरात, बाउतलांसागन का मिनिस्टर इल्दिस पुलाक बीगले, स्टेफन संग हंडल इंडस्ट्री एंड टूरिज्म का मिनिस्टर और अंतवान एलियास फॉलक्स होसोंथेट के साथ में यूस्टिसी एंड पॉलिसी का मिनिस्टर स्टुअर्ट खुद्रो। इस दिल हादसे में भी प्रेसिडेंट देसी बौद्ध के साथ शीना गए है और शीना लोग गए हैं वहाँ दिन स्त्रेस पर दावत इन लोगों को। शीना का प्रेसिडेंट सी येन पिंग के जरिए इन लोगों को मिला था और इनके दावत पर, इनके निमंत्रण पर लोग शीना गए थे। प्रेसिडेंट देसी बौद्ध आज सूरीनाम देश वापस आ रहा है और शीना में कुछ खास लोग ये तय किए हैं, कुछ अफसराकन बनाया गया, कुछ ओवर इन कॉम्सन दस्तखत हुआ है, 10 से ज़्यादा ओवर इन कॉम्सन दस्तखत हुआ है। सूरीनाम देश के साथ शीना एक साथ मिलकर काम करने वाले हैं, कुछ ऐसे बातें भी तय हुआ है। फरकेश बारोमीटर के बारे में जब हम बात करते हैं, हादसा यातायात में होते तो अफसोस के साथ मुझे ये कहना है कि 3 लोगों का देहांत ओस्ट वेस्ट फरबेंडिंग पर हुआ है आज़ादी के दिन 25 नवंबर को। रूबेन बेचर 24 साल और इनके माँ, इन दोनों के देहांत हुआ है और 2 गाड़ी जो आपस में टकराई तो दूसरा गाड़ी का भी एक शख्स का देहांत हो गया है और बाकी के लोग जो है ये सब फ्रांस खोयाना, इन लोगों को ले गए हैं, फ्रांस खियाना ले गई है आगे इलाज के वास्ते। ये आनरेडिंग, ये हादसा जो है पुलिस जानकारी में दिए है कि अजुमा बिरगी के आसपास हुआ है।
अब तक के ये खोजबीन से पता चला है कि दोनों गाड़ी ओस्ट वेस्ट फरबिंदिंग से गुजर रहे थे और मुमकिन इसमें से एक गाड़ी इनहाल करने की कोशिश की है और वहाँ पर कंट्रोल खो दिए है और ऐसे ये हादसा हुआ है। ये लाशें जो है ये अब्दुक्सी के वास्ते ये सेक्सी के वास्ते पुलिस कब्जे में लिए थे। डेनिस मेंसो जो डायरेक्टर है सीबीबी सेंट्रल ब्यूरो फॉर बर्खरसाक का ये कहे है कि ये बिल्कुल सच बात नहीं है कि बहुत लंदर्श को सिर्फ विदेशी लोगों को सूरीनाम देश में लाया जाता है, इन लोगों को ईआईडी कार्ड दिया जाता है और वो इसलिए क्योंकि लोग चाहते हैं स्तंभस खांग जो है मतलब आने वाले चुनाव जो है इस पर लोग अपना फ़ायदे के लिए करते हैं कि ये लोग जो विदेश से आते हैं ये सब एनडीपी के लिए अपना वोट है ताकि एनडीपी ये चुनाव जो है जीत जाए। ऐसा बिल्कुल सच बात नहीं है, सिर्फ अफवाह है जो फैलाया जाता है और सीबीबी का नाम लोग खराब करते हैं, लोग बदनाम करते हैं, ऐसे मेंसो ने कहा है। इसमें ज़्यादा तौर पर कहा गया है फिनेसोलानन, हाइटियानन और कुबानन सूरीनाम देश आए हैं और हर हफ्ता कुछ ऐसे तादाद में लोग आते हैं और ये कहा गया है कि एक ही दम लोग जब देश में आते हैं तो इन लोगों को एक ई आई डी कार्ड मिल जाते हैं। मेंसो कहते हैं कि फिनेसोलानन जो सूरीनाम देश आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि इन लोगों के देश में काफ़ी मुश्किल है, लोग अपने देश से भाग कर सूरीनाम देश में आते हैं यहाँ पर रहने के वास्ते। एक ई आई डी कार्ड किसी को यूं ही नहीं मिलता है, पहले एक नेचुरलाइजेशन प्रोसेस आते हैं जो यस्तिसियम पोलिसी मिनिस्टेरी के जरिए होते हैं और उसके बाद लोगों को अगर ये सब यहाँ के बसंत में आएंगे सूरीनाम देश के तो इन लोगों को एक ई आई डी कार्ड मिल सकता है। इस सिलसिले में लोग डायरेक्टर बिलनंस साकन से भी बात किए हैं पुत्री देवी अमत सुमार तो और ये वही बात भी कहे है कि नेचुरलाइजेशन जो है ये एक प्रोसेस है यस्तिसियम पोलिसी और अगर कोई नेचुरली शेयर होता है सीबीवी में अपना नाम रजिस्टर करते हैं उसके बाद इन लोगों को एक ईआईडी कार्ड मिल सकता है। मतलब ये है कि मेंसो और डायरेक्टर जो है बेनलान सिसाक का दोनों ये बात बताई है कि ये बिल्कुल सच बात नहीं है। एक और हादसा हुआ है और ये हादसा हुआ है वेस्ट सूरीनाम द्री कोकरो के आसपास में जिसमें मामोई पिनास 54 साल का एक आदमी सुख के सुबह इनका देहांत हो गया है। इनका गाड़ी उलट गया है वेस्ट सूरीनाम द्री कोकरो के आसपास में, इसके इनके साथ चार लोग और गाड़ी में मौजूद थे और ये चार लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। इन लोगों को स्पुत एसन दुहलफ अकादेमी सिकन हाउस परामारिबो में इलाज के वास्ते लोग लाए हैं, वहाँ पर लोग इन्हें दाखिल किए हैं। पिनास जो है मामोई पिनास 54 साल का ये ऑटो बस स्टूडेंट था, मतलब ये गाड़ी हाँक रहा था। हो सकते हैं कि ये द्री कोकरो के आसपास ये कंट्रोल खो दिए है और जाकर जो ऊंचा बैरम है इससे टकराया है, गाड़ी कई बार उलट गया है और इसका देहांत वहीं पर एक ही दम हो गया था। बाकी के चार लोगों को हॉस्पिटल में लोग दाखिल किए हैं। पिनास मामोई 54 साल का ये 68वां फरकेशदोद है इस साल के वास्ते। 8 दिसंबर स्ट्रफ प्रोसेस जिसके बारे में कई दिनों से बातचीत चल रहा है, 2007 से यह मुकदमा चल रहा है। इस मुकदमा में सुख को कंटोन रेख्तर जो है क्या कंटोन रेख्तर नहीं लेकिन क्राइसराज जो है ये अपना फैसला सुनाई है। होफ्त फरदख्त जो था ये 8 दिसंबर स्ट्रफ प्रोसेस में ये देसी बौद्धश है, इस वक्त सूरीनाम देश का प्रेसिडेंट देसी बौद्धश हो फरदख्त इस 8 दिसंबर स्ट्रफ प्रोसेस में इनको 20 साल का कैद का सजा सुनाया गया है कल। इस पर पहले इल्ज़ाम था लेकिन अब रेख्तश का कहना है कि यह साबित हुआ है कि इनका हाथ था 15 लोग जिनका देहांत हुए है, जो लोग उन दिनों का मिलिटेर बविंद के खिलाफ थे। ये 15 लोगों का देहांत हुआ है 7 और 8 तारीख दिसंबर के रात में 1982 नेहदीन त्वेन तख्तख में। रेख्तर्स जो थे सिंचा फॉल्स्टेन मॉन्टनोर, रविता छतरपाल और सुसाना शु, इन लोगों का ये कहना है, इन लोगों ने ये नतीजे पर आए हैं कि ये साबित हुआ है कि देसी बौद्ध जो है ये इनका हाथ था लोगों के कत्ल में। और क्रैस रात ये भी कहा है कि ये उस रात फोर्ट से लंदिया में मौजूद था, ये लोगों के बयान लोगों गवाहियों के बयान से पता चला है और अनेक रिपोर्टन में भी लिखा गया है। ये जो फोनस था 120 पन्ना का था, 120 पाखिनास का फोनस था।
खास बताने की बात यह है कि जज ने पौत्र के लिए इनको कैद में लेने के लिए यह मांग नहीं किए हैं, खफांग नेमिंग नीत खलास, तो ये कैद में इनको नहीं लिया जाएगा, हिरासत में नहीं लिया जाएगा, लेकिन 20 साल का सजा इन्हें सुनाया गया है। वकील देसी बाउतश का एरविन कन्हाय कहते हैं कि यह बात से वो बिल्कुल सहमत नहीं है, यह फैसला से वो बिल्कुल सहमत नहीं है, वो फरसत आंतीकन करेगा, मतलब ये बयान जो है ये फैसले से वो सहमत नहीं है और ये ज़रूर वो बयान करेंगे, और अगर इनका क्लियंट देसी बाउतश ऐसा चाहेगा तो वो होकर बरूप में जाएगा और होकर बरूप में यह मुकदमा जो है ये 10 साल तक भी जा सकता है, 10 साल तक भी लग सकता है होकर बरूप का ये जो मुकदमा अगर जारी होगा। लेकिन अब तक ये बात है कि जब तक ये होकर बरूप चलेगा तब तक बौद्ध को हिरासत में नहीं लिया जाएगा। या आधे दिसंबर स्ट्राफ प्रोसेस में हम आपको भी बता सकते हैं कि एशन बोरनफेन, जेमी स्टॉलक, एरोल आलीबर्ग्स, डिक डबी, विंस्टन कालडेरा, विम कार्बियर, ऑर्लांडो हेडानुस, इवान क्रोलस, एडगार रिटफेल्ड और इमरो तेमन, इन लोगों के लिए क्रैसरा जो है फ्रेसप्रा का मांग किए हैं, इन लोगों को रिहा किया गया है क्योंकि इन लोगों के खिलाफ ज़रूरी सबूत नहीं था, तो इन लोगों को रिहा किया गया है, फ्रेसप्रा का मांग हुआ है और यह है 8 दिसंबर स्ट्राफ प्रोसेस में भी। और आरती खोरे और रूबेन रोजनडाल जो भी फरदाख्तन थे 8 दिसंबर स्ट्राफ प्रोसेस में, इन लोगों का देहांत पहले हो गया था तो इन लोगों के लिए अब सजा नहीं सुनाया गया है। वैसे सरकार जो है ये फैसला के बाद, जब ये फैसला सुनाया गया है 8 दिसंबर स्ट्राफ प्रोसेस में, सरकार जनता को पुकार किए है शांति बनाए रखने के लिए, क्योंकि देश में डेमोक्रेसी जो है प्रजातंत्र जो है ये काफ़ी ऊंचा रखा गया जाता है, ये इस पर गौर होता है, इसलिए डेमोक्रेसी पर गौर करते हुए लोगों को पुकार किया गया है, सूरीनाम देश की जनता को सरकार पुकार किए है शांति बनाए रखने को। एक और हादसा हुआ है, एक फरकेश ऑन खफाल हुआ है और ये हाईवे कैनेडी वाक पर हुआ है सुख के शाम को, जिसमें भी एक शख्स का देहांत हो गया है और उन्दुशु खोजबीन से यह पता चला है कि गाड़ी जो है कैनेडी वाक बर्लिन के आसपास ये भी उलट गया है, हो सकता है ये आदमी जो गाड़ी हाँक रहा था ये कंट्रोल खो दिए है और ये कंट्रोल खो जाने से गाड़ी उलट गया है और इनका देहांत हो गया है। इसका आइडेंटिटी जो है अभी तक पता नहीं है। ये आदमी ये मेड इंसिडेंट था, जिसका देहांत हुआ ये मेड इंसिडेंट था और जो बस्तूद था पुलिस के खोजबीन से पता चला कि ये नशे के हालात में था, इनको पुलिस थाने लोग ले गए और नुखरिंग के लिए और उसके बाद इनको हिरासत में लिया जाएगा, इनको कैद में रखा जाएगा। इस आदमी जिसका आइडेंटिटी अभी पता नहीं है, मेड इंसिडेंट था, ये गाड़ी का ये 69 फरकेशदूद है इस साल के वास्ते, इस मामले में खोजबीन जारी है और ये लाश भी पुलिस कब्जे में लिए है। पारा का पुलिस ये खबर दिए है कि बीफे के शाम को एक लाश मिला है, ये लाश जो है बहते हुए आई है कोरोपिना क्रीक में, ये लाश जो है 64 साल का विल्फ्रेड बेकर का है, विल्फ्रेड बेकर का लाश है। वहाँ पर आसपास लोग जब ये लाश को देखे तो इसको पानी से निकाल कर लोग किनारे पर लाए है, पुलिस को तार किए है, पूरी तरह से ये लाश खराब हो गए थे। इस पर कोई ऐसे बात खोजबीन से नहीं पता चला कि इस पर हमला हुआ या इसका कत्ल हुआ है, तो पुलिस अभी तक खोजबीन कर रहा है, यह लाश कब्जे में लिए है और ये आइडेंटिटी इस आदमी का पता है, ये 64 साल का विल्फ्रेड बेकर है, ये लाश जो है ये पुलिस कब्जे में लिए है और आगे खोजबीन कर रहा है। इसी के साथ आज ख़त्म होता है साथी, शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।